हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो यू विल लर्न द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वैक्स लेंस एंड कन्केव लेंस तो कन्वैक्स लेंस और कन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम की हेल्प से किस तरह से बनाते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या है कन्वेक्स लेंस जो एजेस से थिन होता है और मिडल से थिक तो जो कन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं जैसे कि एन इमेजिनरी लाइंस दिस लाइन इमेजिनरी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस जितने भी रेज ऑफ लाइट हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंसिस से रिफ्रैक्शन होती हैं वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देती हैं कन्वर्ज कर देती हैं जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है उनको वो कन्वर्ज कर देती है इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और ये हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस करने के लिए ऑल पैरेलल रेज मीट एट ए पॉइंट दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और फोकस कन्वेक्स लेंस का जो है उसकी और फोकस की और पोल की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं एफ को फोकस को एफ से डिनोट करते हैं तो फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव होती है एंड इन द केस ऑफ कनकेव लेंस इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा किया जितनी भी रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंसेज में से रिफ्रैक्शन होती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपियर टू इमरजिंग फ्राम अ प्वाइंट दैट इज कॉल्ड फोकस तो कन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है अब हम इमेज फॉर्मेशन पहले रेस देखेंगे किस तरह से ड्रॉ करते हैं देन हम इमेज वेरियस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम इमेज कैसे बनती है उसे फाइंड करेंगे द रे ऑफ लाइट विच इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन पासिस थ्रू द फोकस और जो रे केस में पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस तो ये डाइवर्ज हो रही है इसलिए सेकेंड केस इज द रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से और जो रे फोकस से आती दिखती हैं हमें इस तरह से जैसे सपोज हमें पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है तो रे को डाइवर्ज करेगा पर हमें ऐसे लग रहा है कि रे कहाँ को जा रही है फोकस की तरफ को तो इस केस में फोकस हमारा ये एफ वन है और ये फोकस एफ टू है और ये फोकस एफ वन और ये फोकस एफ टू कन्वैक्स केस केस में हम एफ टू प्लस एफ लेते हैं और इस केस में माइनस एफ लेते हैं अगेन जो रे ऑफ लाइट पोल से पास होती हैं पोल सेंटर ऑफ द लेंस होता है इस कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर सॉरी लेंस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेंस तो जो रे पोल से पास होती हैं वो कभी भी डिविएट नहीं होती है सेम वे फिर वो चाहे कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है तो दीज आर द फोर थ्री डिफरेंट रेज डायग्राम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम की रे डायग्राम मीन्स की रेज की मदद से ऑब्जेक्ट की लोकेशन और इमेज की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस वे अब हम एक एक करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की पोजीशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये कन्वेक्स लेंस है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस किया ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल ऑफ द मिरर ये हमने सेंटर इसका फोकस एफ वन और सी वन ये एफ टू और सी टू कर लिया जितनी भी रेज पहला केसेज है जितनी भी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन क्योंकि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बहुत ही कॉमन वर्ड है तो कभी मिस्टेक हो जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होती हैं बहुत ही आराम से और प्यार से डायग्राम को ड्रा करना है क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके ही हम इन क्वेश्चंस को इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं ये हमारा फोकस है और ये फोकस हमारा प्लस होगा फोकस इसके इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने मिरर के केस में भी पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं ये टू एफ के इक्वल है ये क्वेश्चन आपको एम सी क्यू में पूछा जा सकता है एंड अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर इंफिनिटी पे है इन्फिनिटी का साइन लगाया ऑब्जेक्ट के लिए ओ और इमेज जो बनी वो इमेज बनती है हमारी फोकस के ऊपर और ये हाईली डिमिनिश्ड है हाईली डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट साइज को हम ऑब्जेक्ट साइज को हम एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज साइज को हम एच डे से डैश से ऑब्जेक्ट साइज को एच से और इमेज साइज को एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इस केस में एच डैश लेस देन एच होता है ये भी एक बात नोट करने वाली है और जो इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है उसको हम मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड केस में हमने फिर से कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया पोल की का पॉइंट लगाया ये फोकस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक फोकस इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर अब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है जब हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो हमारी इमेज कुछ यहाँ बनेगी पहले तो रे ऑफ लाइट which इज़ parallel टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर refraction रिफ्रैक्शन through the द फोकस एंड द ray रे हम वो लेंगे जो रे पोल से पास होती है जो भी पोल पोल से रे पास होती है वो कभी भी डिविएट नहीं होती और इसको बहुत ही आराम से प्यार से ड्रॉ करना है एक एक चीज को और इमेज इस बार हमारी जो एच डैश है वो भी लेस देन एच होगा छोटा होगा हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी और इन्वर्टेड आर यहाँ रियल रिप्रेजेंट कर रहा है आई से मतलब यहाँ इन्वर्टेड है और जो फोकस है वो प्लस एफ और इमेज डिस्टेंस को हम यहाँ पर प्लस भी होगा कि जितने भी डिस्टेंस पोल से राइट right साइड में होती हैं वो सारी पॉजिटिव लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा एट दैट टाइम इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है इन दिस केस एच इज इक्वल टू एच डैश होता है वी हमारा राइट right साइड बनता है प्लस वी यू हमारा नेगेटिव हमें होगा हमेशा यू तो नेगेटिव होता है फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ कन्वैक्स लेंथ इसको रे डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं रे जो पोल से पास होती है वो कभी डिविएट नहीं होती और पर जो रे पैरल टू तो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो फोकस से पास होने के बाद यहाँ हो जाएगी थोड़ा सा इसको ध्यान से ड्रॉ करना तो यहाँ पर भी रियल इमेज आर से मतलब रियल इन्वर्टेड बनती है पर थोड़ी एनलार्ज बनती है मीन्स की एच डैश दिस टाइम नॉट एन बट ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स की एच डैश इज इक्वल टू एच होगा मीन्स कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस वन आएगी ये सारी छोटी छोटी बातें हैं आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है तो बी वी केयरफुल वाइल यू आर ड्रॉइंग डायग्राम फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फोर्थ केस में हम फिर कंकेव लेंस एक ड्रॉ करेंगे कनकेव लेंस ड्रॉ करने के बाद एक प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिस टाइम फोकस में है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो इस तरह से पास होती हैं और रेज हमेशा हमें पैरेलल दिखती हैं तो जब ऑब्जेक्ट हमारा ओ जो ऑब्जेक्ट ओ सिंबल है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इमेज हमारी बनती है इन्फिनेटी पर और ये हाईली एनलार्ज होती है हाईली एंड लार्ज मीन्स की एच डैश वेरी 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 ग्रेटर दैन एच आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो वन एक्सेप्शनल केस इनकेस ऑफ कन्वेक्स लेंस जब फोकस इमेज ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा एट दैट टाइम जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी रे ऑफ लाइट विच इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस एंड द रे विच इज पास थ्रू द पोल ऑफ द मिररर ऑलवेज गो अनडिविएटेड जब हम इन दोनों रेज को बैक साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेज जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाएगी पर इमेज बहुत बड़ी बनेगी वर्चुअल वीवर्चुअल रिप्रजेंट कर रहा है ए और वर्चुअल के साथ ये इरेक्ट इमेज बनती है इरेक्ट मींस सीधी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज वह होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते सिर्फ जब तक जितनी देर तक ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रहता तब तक हमें इमेज दिखाई देती है और ये जो रे डायग्राम है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है तो मैग्निफाइंग ग्लास के केस में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है और इसमें जो एच डैश है इमेज साइज एच डैश यहाँ पे इमेज साइज वेरी 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 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट इन दिस केस ऑब्जेक्ट हमारे लेटर्स है जिनको हम रीड करते हैं और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रेज ऑफ लाइट को काफी बड़े एंगल तक उसको फोकस फोकस कर देता है और उसको चेंज uh, कर देता है फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी यहाँ पर इन दिस केस माइनस यू और माइनस वी हमने देखा लेंसेज के जितने भी केसेस पड़े यू नेगेटिव था वी पॉजिटिव था बट इस केस में ये एक्सेप्शन है तो यहां से क्वेश्चन आना मोस्ट एक्सपेक्टेड है नाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट को लेंगे इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट जो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो लेंस से जब पास हो रही तो इस तरह से वो डाइवर्ज हो रही है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि वो फोकस से आती हुई दिखाई दे दे रही है इट मीन्स कि हमारी इमेज बन जो बन रही है वो फोकस पर है और ये हाईली डिमिनिश uh, है पॉइंट साइज है डिमिनिस्ट मींस पॉइंट साइज और पॉइंट साइज मीन बहुत छोटी जिसको हम नेकेड uh, से क्लियरली देख नहीं सकते नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा और एच डैश का साइज वेरी 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 स्मॉल देन एच होगा एच डैश मीन्स इमेज साइज और एच मीन्स ऑब्जेक्ट साइज यू और बी दोनों नेगेटिव हो गए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी इमेज डिस्टेंस कॉन्केव लेंस का एक और आ, केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्मेचर जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो डाइवर्ज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमारे पास ये रे की फोकस से आ रही है और जो रे आ, पास होती है ऑप्टिकल सेंटर्स वो कभी डिविएट नहीं होती तो हमारी जो इमेज बनी है वो यहाँ पर बन रही है फोकस से अंदर को और ऑप्टिकल फोकस और ऑप्टिकल के इन बिटवीन बन दिया तो यहाँ पर भी जो इमेज है वो डिमिनिश है हाईली डिमिनिश्ड है तो और इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है वर्चुअल है और साथ में वो इरेक्ट है और एच डैश दिस टाइम ऑल्सो लेस देन एच पर फोकस के कंपैरेटिव थोड़ी बड़ी होगी तो इस केस में भी हमने देखा है कि यू हमारा नेगेटिव है वी नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है तो कंकेव लेंस के केस में यू वी और एफ ये तीनों ही नेगेटिव होते हैं इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स और इनसे क्वेश्चन हमें एमसी क्यू क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं तो इनको थोरो स्टडी करना है न्यूमारिकल सोल्यूशन के लिए लेंस फॉर्मूला है वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ और अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है तो एच डैश अपॉन एच और वी अपॉन यू पोजिशन ऑफ इमेज और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और लेंसेज के केस में हमारे पास ये दोनों मैग्निफिकेशन के लिए चाहे वो कनकेव है कन्केव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है दोनों के लिए मैग्निफिकेशन हमें एक ही तरह से फाइंड करनी है और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव u नेगेटिव v नेगेटिव यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव u नेगेटिव होगा v पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट वन केस कि जब इमेज फोकस और, और यहाँ पर होगी फोकस और ऑप्टिकल uh, सेंटर के बीच में होती है, इन केस ऑब्जेक्ट कन्वेक्स के केस में वी पॉजिटिव ऑलवेज और सिर्फ एक केस में नेगेटिव होती है जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और पोल के बीच में होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और ये कन्वर्जिंग होता है तो अब हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बेस जो टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस उसको स्टडी करेंगे द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इन केस ऑफ कनकेव लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस क्योंकि इसमें सारी रेस फोकस होती हैं इसमें सारी रेस फैलती हैं डाइवर्ज होती हैं तो इस डिग्री को कितनी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस को हम वन अपॉन एफ मीटर लगाएंगे इस फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पावर ऑफ लेंस को अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें इसे वह हंड्रेड अपॉन एफ सेंटीमीटर होगा और इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जो पावर ऑफ लेंस होगी हमेशा पॉजिटिव आएगी और इन केस ऑफ कनकेव लेंस पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आएगी मीन्स की कि कन्वेक्स लेंस ज़्यादा से ज़्यादा रेस को क्लोज नियर बाय हमारी आइज के क्लोज करके उसको आ, उनको रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा एंगल में उनको बेंड कर देता है और ये ज़्यादा एंगल में फैला देती है जो कन व कनकेव लेंस होता है पावर ऑफ लेंस को हम इसी तरह से ऐड कर सकते हैं जिस तरह से हम रियल नंबर को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं तो ये पावर ऑफ लेंस के कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थे दिस इज दिस दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो रिपीट इट एंड Watch it again and again so that you can attempt MCQ question in your term 1 exam.